यूनिट टू स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इसके आगे टोटल तीन चैप्टर्स थे, जिनमें से दो चैप्टर, चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमने ऑलरेडी कर लिया है. तो अभी नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट यूनिट 2 का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं. तो हमने प्रीवियस वीडियो में उसके एक्सक्रीटरी और वस्कुलर सिस्टम के बारे में बात कर ली फ्रॉग की. अभी और बात करते हैं कि सिस्टम फ्रॉग के अंदर सिस्टम जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन, सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो भी हाईली इवॉल्व्ड होता है फ्रॉग में, और जिसके अंदर न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है. ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हाईली इवॉल्व्ड होता है फ्रॉग में, और जिसके अंदर क्या पाई जाती है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है. और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी, ये अचीव्ड होती है बाय हॉर्मोन्स जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू. तो फ्रॉग में जो है प्रोमिनेंट ग्लैंड जो है पाई जाती है फ्रॉग के अंदर, जो ग्लैंड पाई जाती है वो कौन कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पीनल बॉडी, पैनक्रियाटिक आइसलेट, एड्रिनल्स और गोनाड्स. ये कुछ है, कुछ क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है फ्रॉग्स में पाई जाती है जो हॉर्मोन सिक्रिएट करती हैं. ओके, और नर्वस सिस्टम जो है फ्रॉग में पाया जाता है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसमें क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम पाया जाता है. क्लियर है? तो फ्रॉग के अंदर नर्वस सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होता है. और फ्रॉग के अंदर 10 पेयर्स पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के, जो ब्रेन से निकल अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. 10 पेयर्स पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स के. ब्रेन जो है वो एक इनक्लोज होता है एक बॉडी स्ट्रक्चर में फ्रॉग का ब्रेन इनक्लोज होता है, जिसे हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं और क्रेनियम भी बोलते हैं. और फ्रॉग का ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन जो है इसके अंदर फ्रॉग के फोर ब्रेन के अंदर ओल्फैक्टरी लोब्स पाई जाती है, पेयर्ड सेरिबैरल हेमिस्फेयर्स पाए जाते हैं, और अनपेयर्ड डाइनोसिफेलोन पाया जाता है. क्लियर है? और मिड ब्रेन जो है फ्रॉग का, उसके अंदर ऑप्टिक लोब्स का जोड़ा पाया जाता है, पेयर पाया जाता है. और जो हिंड ब्रेन है फ्रॉग का, उसमें सेरिबेलम और मेडुला ओब्लोंगेंटा पाया जाता है. और मेडुला ओब्लोंगेंटा जो है वो पासिस आउट थ्रू फोरामेन मैग्नम और कंटिन्यू करता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड, फिर जो बाबिच इज इनक्लोज्ड इन अ वर्टिबल कॉलम. क्लियर है? फ्रॉग जो है, फ्रॉग में अभी यहाँ तक समझ आ गया आपको, कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी पाई जाती थी, उसके अंदर जो ब्रेन मतलब नेफ्रल न्यूरॉन सिस्टम कैसा था, है ना, फ्रॉग के अंदर. अभी उसके बाद बात करते हैं कि फ्रॉग के अंदर डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे टच के लिए फ्रॉग के अंदर सेंसरी पैपिली होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होते हैं, स्मेल के लिए नेसल एपिथीलियम होती है, विजन के लिए देखने के लिए आइस होती है फ्रॉग में, हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए फ्रॉग में टिम्पैनम विद इंटरनल एयर्स होता है, टिम्पैनम होता है इंटरनल एयर के साथ, और जिनमें से इनकी आइस जो है और इंटरनल एयर जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, और जो रेस्ट जो सेलुलर एग्रीगेशन है अराउंड नर्व एंडिंग्स. क्लियर है? और फ्रॉग की जो आइस जो होती है वो आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, पेयर है स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स का, जो ऑर्बिटल सिचुएटेड इन ऑर्बिटल इन स्कल. और इनकी आइस जो है फ्रॉग की वो सिंपल आइस होती हैं, और एक्सटर्नल एयर फ्रॉग के अंदर एब्सेंट होता है, सिर्फ इनके अंदर टिम्पैनम पाया जाता है, इसलिए हम इसको बाहर से नहीं देख सकते. और एयर जो है वो हेयरिंग के लिए एज वेल एज बैलेंसिंग के लिए भी काम करता है फ्रॉग के अंदर. और
यहाँ तक समझ आ गई तो अभी नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे।